તો પોલીસ કર્મચારીઓ તો અત્યારે ખડે પગે છે જ, પણ તેની સાથે સાથે કોરોના વચ્ચે અમૂલ સુંદર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. અમૂલ દ્વારા પણ રાજ્યના તમામ છેવાડે પહોંચી રહ્યું છે અમૂલનું દૂધ, અને ગુજરાત સહિત દેશભરમાં અમૂલની સુંદર વિતરણ વ્યવસ્થા થઈ રહી છે. અમૂલ ફેડરેશનના એમડી આર એસ સોઢીની સાથે વાતચીત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું અમે. મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથે તેઓ લાઈવ જોડાઈ રહ્યા છે. આર એસ સોઢી, કોરોના વચ્ચે પણ અમૂલે આ સુંદર વ્યવસ્થા કરી છે, લોકોના ઘર સુધી જે દૂધ પહોંચી રહ્યું છે. અત્યારે આપણે સૌ અમૂલ જેવી કંપનીને કારણે ઘરે બેસી અને આપણને આ તમામ સુવિધાઓ મળી રહી છે, કારણ કે અમૂલની બ્રાન્ડ પર તમામ દેશનો વિશ્વાસ છે. અને વધુ એક વખત આ વિશ્વાસ મજબૂત બન્યો છે લોકોનો, કારણ કે અત્યારે જે આ સુંદર વ્યવસ્થા તમે જોઈ રહ્યા છો, અત્યાર સુધી સમગ્ર દેશમાં ક્યાંય પણ કોઈ ખોટ નથી આવી. જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુમાં સૌથી પહેલા દૂધ આવે, તમે સવારે ઉઠો કે તુરંત જ તમને દૂધની જરૂર પડે, અને બસ આ તમારી જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે જ અમૂલે આ સુંદર વ્યવસ્થા કરી છે. સમગ્ર દેશમાં અત્યારે અમૂલનું દૂધ પહોંચી રહ્યું છે. મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથે આર એસ સોઢી ટૂંક સમયમાં જોડાવશે અને તેની સાથે આપણે વાતચીત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અમૂલની આ સુંદર વ્યવસ્થા રાજ્યના છેવાડાના ગામડા સુધી અમૂલનું દૂધ પહોંચે છે. ન માત્ર રાજ્યના, દેશભરના છેવાડાના ગામડા સુધી દૂધ પહોંચાડવાની જવાબદારી અમૂલ ફેડરેશનના એમડી આર એસ સોઢી સાથે અમે વાતચીત કરવા પ્રયત્ન કરીશું. અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. સોઢી સાહેબ, સ્વાગત છે આપનું. નમસ્કાર જી. નમસ્કાર સર. ખૂબ જ સુંદર વ્યવસ્થા. સૌથી પહેલા તો આપને અને આપના કર્મચારીઓને સલામ. મંતવ્ય ન્યૂઝની ટીમ પણ આપને સલામ કરી રહી છે કે આ જે સુંદર વ્યવસ્થા આખી ગોઠવવામાં આવી રહી છે, કઈ રીતના પડકારો અત્યારે આપની સમક્ષ પણ આવી રહ્યા છે? દેખીએ, જો અમૂલ કે દૂધ કી સપ્લાઈ ચેન કી બાત કરે, વો ખાલી શહેરો મેં દૂધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સે નહીં હોતી, યે શરૂ હોતી હૈ ગુજરાત કે 18,000 ગાંવ મેં 36 લાખ કિસાનો સે દિન મેં दो बार दूध का संकलन करने के में. और इसमें हमने जब ये लॉकडाउन डिक्लेयर किया 25 को या 23 को, जनता कर्फ्यू था, दूध के संकलन में एक मिनट भी कोई बंद नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई बंदिश नहीं आई. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा सहयोग दिया और हमने दूध का संकलन शुरू रहा. हाँ, हमको कुछ अत्याते बरतने, कुछ सेफ्टी नॉर्म्स रखने पड़े, जैसे कि हमारे मंडली से जब दूध लेते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, खेडूत को जब मंडली में आना है तो दूध वॉश करना है, हैंड को वॉश करना है, मास्क को यूज करना है, और जो हमारे मिल्क टैंकर्स डेयरी से दूध कलेक्ट करने जाते हैं उनका पूरा सैनिटाइज करके भेजते हैं. दूध कलेक्ट होकर जब डेयरी में आते उसका सैनिटाइजेशन होता है. डेयरी में भी जितने भी हमारे वर्कर्स आते हैं उनका डॉक्टर्स चेक करते हैं टेम्परेचर, उनको हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन और पूरा मास्क वगैरह यूज करते हैं. फिर दूध पैकिंग के बाद भी जब शहरों में जाता है, मार्केट्स में जाता है, उन सब वाहनों का भी सैनिटाइजेशन होता है. बिल्कुल. और दूध हम तकरीबन 260 लाख लीटर रोज कलेक्ट कर रहे हैं, 210 लाख गुजरात में और 50 लाख गुजरात के बाहर, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब, वेस्ट बंगाल आल्सो. और दूध की कोई संकलन में कमी नहीं आई, बल्कि बढ़ गया है, क्योंकि प्राइवेट लोगों ने, छोटे छोटे वेंडर्स ने, मिठाई वालों ने, आइसक्रीम वालों ने दूध लेना बंद कर दिया. पर हमारे पास पूरी व्यवस्था है ज्यादा दूध लेने की, और दूध की मार्केटिंग में भी कोई कमी नहीं आई है, थोड़ी 10-12% कम आई है, बिकॉज ये होटल, रेस्टोरेंट्स और ये चाय की केतली बंद हो गई है जी. पर बाकी प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ गई है, आइसक्रीम वगैरह की सेल कम हो गई. बिल्कुल सर. किस तरह से ये पूरा जो संकलन होता है वो किस तरह से आप करते हो? सब मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन का जो होता है वो किस तरह से उसका मैनेजमेंट होता है, और देश में कितने, पूरे देश में कितने पार्लर हो गए अमूल के? देखिए, जो दूध का संकलन होता है,
जब 18,500 गांव से दूध लेना पड़ता है तो तकरीबन तकरीबन हमारे 5,000 मिल्क टैंकर प्रतिदिन ये दूध कलेक्ट करके गांव से लाते हैं, गांव की मंडियों से। फिर यहाँ दूध का प्रोसेसिंग हमारे तकरीबन 82 डेयरी प्लांट है गुजरात में भी, और गुजरात के बाद जितने भी महानगर है, क्योंकि अमूल नंबर वन अमूल है, ब्रांड है, तो वहां से दूध पैकिंग होके तकरीबन 10,000 इंसुलेटेड वैन में गुजरात में और भारत की अलग अलग मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होने जाता है। और दूध के तकरीबन 5,000 डिस्ट्रीब्यूटर है, और उन डिस्ट्रीब्यूटर की भी आगे 10,000 मिल्क वैन है। इसी तरह जो दूध के प्रोडक्ट्स हैं, बटर, घी, चीज, टेट्रापैक मिल्क, मिल्क पाउडर, उसके भी 5 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और वो भी 10,000 गाड़ियों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और तकरीबन तकरीबन भारत के 1,000 सिटीज में 10 लाख दुकानों पे दूध और दूध के पैदाश अभी मिल रहे हैं। सर, अभी सारे ट्रांसपोर्टेशंस बंद हो चुके हैं और सारी ट्रेन बंद है, और ये सब मैनेजमेंट किस प्रकार से अभी हो रहा है? देखिए, दूध एसेंशियल प्रोडक्ट में आता है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन में कहीं कोई कोई बंद दिक्कत नहीं नहीं? हुआ। हमको पहले दिन से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मिल गया। जिस दिन लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, हमको गुजरात सरकार के चीफ मिनिस्टर ऑफिस से, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से, जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री के सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से फोन आ गए कि आपको क्या अप्रूवल चाहिए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। गुजरात के बाहर भी पूरा सहयोग मिला, और हमने भी क्या किया, क्योंकि ये दिक्कत का टाइम है, तो हमारा जो अमूल फेडरेशन के बोर्ड मेंबर्स थे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सभी ने कहा कि हमको वर्कर्स को, ट्रांसपोर्टर्स को इंसेंटिव दीजिए, तो हम 25-30% उनको ज्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं जो काम कर रहे हैं। उनको डेयरियों में खाने पीने का इंतजाम कर रखा है, ताकि बाहर होटल बंद है, तो लोगों के एनकरेजमेंट कर रहे हैं। पर मैंने देखा आपको करने की जरूरत भी नहीं है, हर सही। आदमी उसकी कैपेसिटी से ज्यादा सहयोग दे रहा है, एक कदम आगे बढ़ के दे रहे हैं, ताकि किसी को दूध की दिक्कत नहीं आए। ना तो खेडूत को दूध की डिस्पोजल में दिक्कत आ रही है, ना हमारे जो करोड़ों कस्टमर्स है उसकी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी में। बिल्कुल, अमूल ब्रांड पे सब पूरे देशवासियों को भरोसा है, और ये इस टाइम में और ज्यादा भरोसा बढ़ा है, भरोसा मजबूत बना है, ऐसा नहीं लग रहा? नहीं देखिए, क्योंकि भरोसा जो हमारे 130 करोड़ कस्टमर्स है उनका है, और 36 लाख जो हमारे मेंबर है, ये उनके भरोसे पे चल रहा है। और अमूल भारत का सबसे बड़ा ब्रांड है, 50,000 करोड़ का नंबर वन डेयरी कंपनी और एफएमसीजी कंपनी इंडिया की है, और इसकी मालकी किसी प्राइवेट आदमी की नहीं, किसी मल्टीनेशनल की, गुजरात के 36 लाख किसान परिवारों की है। तो ये भरोसा सबका है, इसीलिए चल रहा है। बिल्कुल सर, पुलिस और डॉक्टर्स, ये सब लोग जो हैं वो अभी काम कर रहे हैं दिन रात देखे बगैर, और एक ऐसा आदमी है कि जो भी वो खुद भी अभी दिन रात नहीं देख रहा है, और वो आप खुद है, क्योंकि अभी किस तरह से ये सब मैनेजमेंट हो रहा है, किस तरह से दिन रात जा रहे हैं आपके? देखिए, हमने क्या कर रखा है कि हमारे जितने भी अधिकारी हैं, वर्कर, सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान है। उन्हीं कम से कम लोगों को डेयरी प्लांट में या ऑफिसेज में या वेयर हाउसेज में बुलाया जा रहा है, बाकी लोग रोटेशन से आते हैं, और घर से भी काफी लोग काम कर रहे हैं, और ऐसा कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। आनंद एक छोटा शहर है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी मदद मिल रही है, तो हमको आसपास जाने में दिक्कत नहीं है, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, तो हमारा तो काम चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, अमूल की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज दर्शकों को? मैं आपके दर्शक हमारे खेडूत भी हैं और कस्टमर्स भी हैं, बिल्कुल तो मैं खेडूत को सबसे पहले यह भरोसा देना चाहूंगा कि आप जितना भी दूध का उत्पादन करेंगे, आप अपने गांव की मंडली में देंगे, उसमें आपको पूरी जितनी भी क्वांटिटी देंगे हम लेंगे, और आपको भाव भी अच्छा मिलेगा,
आपको भविष्य में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दूध कल बंद ना हो जाए। और जो हमारे ग्राहक हैं अमूल ब्रांड के करोड़ों, उनको भी पूरा मैं आश्वासित करना चाहूंगा कि दूध की और दूध की किसी भी प्रोडक्ट की कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आप पैनिक बाइंग मत कीजिए, आपको जितना चाहिए आपको मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा और भाव भी बढ़ेगा नहीं, तो आप उसमें आश्वासित रहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको और आपकी टीम को सर, कि पूरे देश का अभी आप ध्यान रख रहे हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो अमूल फेडरेशन ना एमडी आर एस सोढ़ी साथे अमे खास વાતચીત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને તેમણે જે રીતે જણાવ્યું કે દૂધની આ પ્રોડક્ટને લઈને, તેમની પ્રોડક્ટ તેમની બ્રાન્ડને લઈને એક એક બાબતનું ઝીણવટભર્યું ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે, કર્મચારીઓને પણ એ પ્રકારની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી છે, સ્વસ્થ રહેવા માટે, સુરક્ષિત રહેવા માટે અને દેશને સુરક્ષિત રાખવા માટે તેઓ તમામ પ્રકારના પગલાં અત્યારે લઈ રહ્યા છે। અમૂલની આ બ્રાન્ડ જેના પર દેશભરનો વિશ્વાસ જોડાયેલો છે, એ બ્રાન્ડનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે। તમારા ઘરે જે દૂધ પહોંચી રહ્યું છે તે સંપૂર્ણ સુરક્ષિત રહે, તે તમારા સુધી પહોંચે તે માટેનો તમામ પ્રયત્ન અત્યારે અમૂલ બ્રાન્ડ દ્વારા રાખવામાં આવી રહ્યો છે। દેશના છેવાડાના એ ગામડાઓ કે જ્યાં સુધી દૂધ પહોંચાડવા માટેનો પ્રયત્ન અમૂલના એક એક વ્યક્તિ દ્વારા અત્યારે કરવામાં આવી રહ્યો છે। આ સાથે બુલેટિન અહીં સમાપ્ત કરીશું, વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ। નમસ્કાર।